Hi guys, and welcome back to the KTM Stunt Arena, where the face-off has just gotten over. And I'm here with the winner, the guy who was lucky enough to be competing head-on with Rock Bagarosh. Ladies and gentlemen, let me introduce you to Steel Tony. Yeah, man. Steel Tony, welcome to the Gears channel. Thank you. It's a pleasure to have you here. How has the journey been to Goa for India Bike Week? India Bike Week की journey बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत मजा आया India Bike Week के अंदर आने में. मैं second time India Bike Week आया हूँ और this time I compete with so many riders of India and I am also happy कि मुझे मौका मिला Rock Bagarosh के साथ perform करने का, क्योंकि he is one of the official rider of KTM. तो बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ में मेरे को riding करके, कि और ये दिखाने का कि इंडिया के राइडर्स भी कम नहीं है. आज जो इनसे मेरा कॉम्पिटिटर बड़ा ब्रदरहुड था, बट उस कॉम्पिटिशन के अंदर इंडिया के लोगों को और इंडिया की जनता को मुझे ये मैसेज देना था कि प्लीज़ इंडिया पे फोकस करो, क्योंकि इंडिया में बेस्ट राइडर्स की कमी नहीं है. इंडिया बहुत अच्छा लेवल पे फोकस मेहनत कर रहा है. माना स्टंट राइडिंग की कोई ग्रोथ नहीं है इंडिया में, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टंट राइडर्स मेहनत नहीं कर रहे. हर रात हर दिन हर सेक्रीफाइस के साथ मैं खुद की स्टोरी तो क्या बोलूँ. हर राइडर जो इंडिया में मेहनत कर रहा है, आपकी अगर उसकी स्टोरी पता लग जाए ना, तो वो मुझसे फार बेटर स्टोरीज लेके बैठे हैं आज की तारीख में. बट मैं इतना ही कहूँगा, आज का जो भी सीन था, जो भी स्टंट बैटल था, आई एम हैप्पी. मैं बहुत सारे राइडर्स को भी थैंक यू कहता हूँ कि इस कॉम्पिटिशन में उन लोगों ने अपना नंबर लगाया. कैसे ना कैसे कोई जीता कोई हारा, बट इट्स अ लवली इवेंट. और थैंक यू टू Rock Bagarosh कि वो स्टंट राइडिंग इंडिया में आके उन्होंने अपना इवेंट किया और इस इंडिया बाइक वीक के अंदर अपना स्टंट शो करके अवेयरनेस दी व्हाट इज स्टंट राइडिंग. Alright, now you've been stunt riding for about couple many years now. How has the journey been right from your start to coming today and performing with one of the people you look up to? यार देखो, मैं एक शब्द में बताऊंगा, अभी भी स्ट्रगल जारी है, बट बस इतना है कि बहुत लंबी कहानी है, बहुत खतरनाक कहानी है. मैं पूरा एलिबरेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 2-4 घंटे लग जाएंगे. आप सोचोगे कि भाई डायरेक्टर थोड़ी और तू हीरो थोड़ी है जो मैं मूवी का सीन बता रहा है, बट सीन ऐसा है ना, बड़ा खतरनाक था, बड़ा डेंजरस था. मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और ऊपर वाले ने आज मेरे मदर फादर मेरे दादाजी दादी जी ने जितना मेरे को आशीर्वाद दिया, उस बदौलत आज मैं खड़ा हूँ और आई एम द विनर. दैट्स इट. लवली टू हैव यू. थैंक यू सो मच स्टील टोनी फॉर जॉइनिंग अस ऑन द गियर्स चैनल. ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप टू सी यू अगेन एट इंडिया बाइक वीक एंड मोर ऑफन इन गोवा. थैंक यू टोनी फॉर जॉइनिंग अस. इट्स बीन अ प्लेजर.